हाय स्टूडेंट्स, हम सोनिया आज स्टार्ट करने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स, काफी सारे बच्चे मुझे मेल्स लिखते हैं कि मैम एंटोनिम्स पढ़ाइए, मीनिंग पता होते हैं तब भी ऑपोजिट आंसर नहीं लगा पाते हैं। आप एक काम करिए, देखिए तरीका थोड़ा अलग है पढ़ाने का, मैच द फॉलोइंग वाली तरीके से लिखा हुआ है। यहां पर मैंने वर्ड्स लिखे हैं, आपने इनके ऑपोजिट्स को दूसरे वाले कॉलम के अंदर मैच करना है। बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, पहला वर्ड रेक्लूज है। थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सोसाइटी, जो सोसाइटी से अलग है, अकेला रह रहा है, रेक्लूज है। रेक्लूज का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों, अवे फ्रॉम द सोसाइटी। ऑपोजिट अगर देखेंगे तो जरा एक बार पॉज करके पहले पढ़िएगा जरूर, आपको कितने वर्ड्स आते हैं और आप कितने ऑपोजिट निकाल पाए। वर्ड है बच्चों ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशियबल, जो सोसाइटी में सोसाइटी के साथ मिल करके रह रहा है, सोशियबल है, ग्रिगेरियस है। रेक्लूज अकेला रहता है, ग्रिगेरियस क्या है, सोसाइटी में सबके साथ मिलके रहता है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों इम्पेक्यूनियस। अगर आपको याद हो कभी आपने ऐसा वर्ड पढ़ा हो, एक बार SBI के ही पेपर में एक वर्ड था बच्चों, आपको मैं रिलेट करके बताती हूं, पेक्यूनियरी। वर्ड क्या था? पेक्यूनियरी। पेक्यूनियरी का मतलब होता है रिलेटेड विद मनी। पेक्यूनियरी का मतलब क्या होता है बच्चों, रिलेटेड विद मनी। फिर हमने वर्ड बनाया पेक्यूनियस। पेक्यूनियस जिसके पास पैसा है, पेक्यूनियरी रिलेटेड विद मनी। पेक्यूनियस जिसके पास पैसा है, आदमी के पास पैसा है, अमीर सा है। इम्पेक्यूनियस जिसके पास पैसा नहीं है, इम्पॉवरिश्ड है, गरीब है, पॉपर है। पेक्यूनियरी रिलेटेड विद मनी, पेक्यूनियस जिसके पास पैसा है, इम्पेक्यूनियस जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है। ऑपोजिट लगाना है बच्चों इम्पेक्यूनियस का ऑपोजिट एफ्लुएंट। एफ्लुएंट ऑप्यूलेंट रिच। मैंने क्या बताया, एफ्लुएंट ऑपोजिट हो जाएगा इम्पेक्यूनियस का, क्योंकि एफ्लुएंट का मतलब होता है बच्चों रिच। रिच है, ऑप्यूलेंट है, अमीर है। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है बच्चों फियरलेस, डरता नहीं है किसी से। इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या होता है, डरता नहीं है, फियरलेस है। ऑपोजिट लगाना है बच्चों, ऑपोजिट दूसरे कॉलम में इंट्रेपिड का ऑपोजिट क्रेवन। क्रेवन का मतलब होता है कावर्ड, फाइट अवॉइड करता है, डरपोक सा है, बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता है, अलग रहता है, दूर रहता है, डरा रहता है। इंट्रेपिड फियरलेस, क्रेवन कावर्ड है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों प्रोफेन। मेरा बार बार बोलने का पर्पस ये है ताकि आपको वर्ड याद हो जाए। बच्चों रीडिंग नहीं करा रही हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। दो या तीन बार बोलने से शायद आपको याद हो जाएगा, इसीलिए रिपीट करती हूं। प्रोफेन का मतलब होता है बच्चों इम्पायस, डिसरिस्पेक्टफुल, जो रिलीजन के लिए अच्छा नहीं बोल रहे हैं। प्रोफेन, प्रोफेन मैंने क्या बताया, बुरा है, इम्पायस है, जो पायस नहीं वो प्रोफेन है। मैंने कहा रिलीजन के बारे में गंदा बुरा बोल रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल है, इररिलीजियस है। प्रोफेन का ऑपोजिट लगाना है तो सीधी सी बात है, ये वर्ड बहुत आसान है, सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब पायस। सेक्रेड का मतलब क्या है बच्चों, पायस है। नेक्स्ट वर्ड टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है बच्चों टू द पॉइंट बोलेगा। एक आदमी टैसिटर्न है, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता है, बहुत ज्यादा बोलता नहीं है। टैसिटर्न टू द पॉइंट बोलता है। ऑपोजिट है बच्चों लॉक्वेशियस। ध्यान से देखिए, लॉक्वेशियस के अंदर लॉक आता है, लॉक का मतलब बोलना होता है, टू स्पीक होता है। अगर वर्ड याद करें ग्रैंडीलोक्वेंट, एलोक्वेंट, तो इनके अंदर लॉक आ रहा है, तभी तो इनका मतलब किससे रिलेटेड है, स्पीक से, बोलने से। तो लॉक्वेशियस जो ज्यादा बोलता है। एक बार रिवाइज करेंगे, मेरे हिसाब से दो चार वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। यहां लग पांच वर्ड्स रहे हैं, लेकिन आप पांच वर्ड्स नहीं सीख रहे हो बच्चों, आप 10 वर्ड सीख रहे हो। तो 10 नए वर्ड सीखना बहुत अच्छी बात होती है। रेक्लूज का मतलब जो अकेला रहता है, ग्रिगेरियस का मतलब सोशियबल, जो सबके साथ मिलके रहता है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों पेक्यूनरी रिलेटेड विद मनी, रिलेटेड विद वेल्थ। पेक्यूनियस जिसके पास पैसा है, इम्पेक्यूनियस गरीब है, पैसा नहीं है। ऑपोजिट होता है एफ्लुएंट या फिर ऑप्यूलेंट, रिच, अमीर। इंट्रेपिड किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, फियरलेस है। ऑपोजिट था क्रेवन।
उसके बाद बच्चों प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब इंपायस, डिसरिस्पेक्टफुल, इंपायस जो पवित्र नहीं अपवित्र है, प्रोफेन है, ऑपोजिट है सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब पायस, पवित्र है, साफ है। टैसिटर्न टू द पॉइंट बोलता है, ऑपोजिट है बच्चों लॉक्वेशियस, टैसिटर्न कम बोलता है, टू द पॉइंट बोलता है, लॉक्वेशियस ज्यादा बोलता है। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज शेयर करिए विद्या गुरु की वेबसाइट पे, YouTube का चैनल का लिंक है, शेयर करिए और साथ साथ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।